अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमें एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि इमरान भाई आपने ऐसा बताया ब्रीडिंग का प्रोसेस, वैसा मैंने किया, लेकिन मेरे पैर के साथ प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बॉडी पर नहीं आ रहे उसके, और यहाँ वहाँ बेचारे घूम के मर जा रहे, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? आप लोग क्या करते हो जब ऐसा प्रॉब्लम होता है? तो फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग को लगता है कि वीगलर स्टेज पर है और अभी फ्री स्विम होने वाले, थोड़े बच्चे उड़ने लगते ना, तभी वाटर लेवल डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और हमको रियलाइज़ हो जाता है कि अभी भी उड़ने वाले हैं, हम लोग वाटर लेवल डाउन कर देते हैं कितना, जितना पैर का साइज़ है आपका, ठीक है, उतना हम लोग, या एक इंच पानी ऊपर समझो या दो इंच पानी ऊपर रख लो जो पैर का साइज़ है उससे, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, जब बच्चा फ्री स्विम हो जाता है तो फिर वो इधर उधर स्विम करता है, माँ बाप को ढूंढता है, तो पॉसिबिलिटी वाटर लेवल कम करने से ये होती है कि पेरेंट्स से टकरा जाएगा, और टकराने के बाद वो अपने फूड सोर्स को पहचान लेता है जो पेरेंट्स के ऊपर नेचुरली आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वाटर लेवल डाउन कर देते हैं, और उसके बाद हैप्पीली सारे बेबीज अपने पेरेंट्स के ऊपर 1 से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर भी करना, ठीक है।